हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैटर की स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन बाद में मैटर की दो स्टेट्स और डिस्कवर हुई। ये स्टेट्स कौन कौन सी थी? एक थी प्लाज्मा एंड बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। इसके बारे में डिस्कस हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हमें डिस्कस करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है? तो सॉलिड हैज फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड होते हैं, उनका शेप भी फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे कि हम टेबल ले लें, इसे कभी भी कहीं भी रखें, इसका शेप हमेशा सेम ही रहेगा और इसका वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, सॉलिड हैज फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए कुछ भी सॉलिड, टेबल है, आइस है, पेन है, एक्सेट्रा, ठीक है? अब लिक्विड, लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज बट डेफिनाइट वॉल्यूम। जो लिक्विड है, लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं वाटर, ठीक है, या कोई भी लिक्विड चीज। तो वाटर में, जब हम वाटर, एक लीटर वाटर है, ठीक है, अगर हम इसे बॉटल में रखते हैं, ठीक है, तो इसका शेप कुछ और होगा। उसी वाटर को हम जग में डाल देते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। उसी को हम मग में रख दें तब उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है? बोल में रख दे तो कुछ शेप अलग होगा। तो हम बोल सकते हैं लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज पर उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर हमने एक लीटर वाटर बॉटल में था तब भी एक लीटर रहेगा, जग में डाला तब भी एक लीटर रहेगा, मग में डाला तब भी एक लीटर रहेगा, बोल में डाला तब भी एक लीटर रहेगा। तो लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज बट डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है? अब डिस्कस करेंगे गैस के बारे में। गैस, गैस में इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप एंड साइज, ठीक है? जैसे कि हम परफ्यूम ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम रूम में स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे रूम में फैल जाता है। तो इसका ना तो शेप एंड साइज फिक्स हुआ ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है? अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? तो सॉलिड में देखिए ये आइस है, तो इसमें मॉलिक्यूल हमेशा पास पास रहेंगे। देखो कितने पास पास मॉलिक्यूल हैं। लिक्विड है, इसमें मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं, एंड गैस में मॉलिक्यूल थोड़े और दूर दूर हैं, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? तो इसके लिए हमने क्या किया, तीन हमने सिरिंज ले ली, एक ये और एक ये, ठीक है? इसमें हमने सिरिंज में क्या किया, आगे कॉर्क लगा दी, तीनों में हमने कॉर्क लगा दी, कॉर्क से इसको बंद कर दिया।
पहली सिरिंज में हमने क्या किया, सॉलिड मटेरियल में क्या किया, चॉक भर दी इसमें, ठीक है, चॉक के छोटे छोटे पीसेस भर दिए हमने। दूसरे में हमने क्या किया, पिस्टन हटाया, पानी भर दिया यानी कि वाटर फिल कर दिया। और तीसरे में हमने पिस्टन हटाई तो इसमें एयर आ गई, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसमें पिस्टन वापस से लगा दी, पहले वाले में, पहली वाली सिरिंज में हमने अब इसमें पिस्टन लगा दिया, दूसरे वाले में भी हमने पिस्टन लगा दिया और तीसरे वाले में पिस्टन लगा दिया। जब हमने कंप्रेस किया, दबाया, तो पहला वाला जो था, पहली सिरिंज थी, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हुई। वाटर वाली देखी, सेकंड वाली सिरिंज देखी, तो ये थोड़ी बहुत कंप्रेस हुई। एंड थर्ड वाली, एयर वाली हमने देखी, तो ये हाईली कंप्रेस हो गई। तो हम बोल सकते हैं जो सॉलिड है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं, मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। वाटर में कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जो गैसेस हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। यहाँ हो गई कंप्रेसिबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि जो सॉलिड है उनका शेप कैसा होता है, डेफिनेट होता है, और वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। अ लिक्विड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनाइट शेप। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था वाटर का, कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं, अगर बॉटल में लेते हैं तो शेप अलग हो जाता है, इसे हम जग में लेते हैं तो शेप अलग हो जाता है, बोल में लेते हैं तो शेप अलग हो जाता है, ठीक है। और लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा। गैसेस हैज नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनाइट शेप। ना तो गैस का डेफिनाइट वॉल्यूम है और ना ही इनका कोई डेफिनाइट शेप है। अब आगे का पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर रिजिड, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड में कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉन रिजिड। मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था हमने वाटर का, ठीक है। तो वाटर कैसे होते हैं, वाटर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, तो ये फ्लूइड हो जाता है, तो ये रिजिड नहीं है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैसेस आर नॉन रिजिड। ये भी कैसे होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। सिर्फ रिजिड क्या होते हैं, सॉलिड्स। थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मेन पोजिशन। मतलब जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ वेसल। जैसे जो, लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, जिस भी वेसल में इसे लिया गया है उसके बाउंड्री के अंदर ही ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके। और गैसेस में देखें तो द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव फ्रीली इन द अवेलेबल स्पेस। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, जितना भी स्पेस है उसमें आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशन। मैंने अभी बताया कि ये वेसल में कहीं भी घूम सकते हैं बाउंड्री के अंदर, इसमें भी फिक्स नहीं होते हैं गैसेस में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सॉलिड होते हैं इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, ये है सॉलिड, ठीक है। इनमें ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत पास पास होते हैं, कितने पास है, देखो कोई भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर इनमें स्पेस नहीं है तो बहुत ज्यादा इनका जो फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास है इसलिए इनमें क्या है, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है वो कैसा है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर हम लिक्विड में देखें तो द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर लेस स्ट्रांग। ठीक है, मतलब कि मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, मतलब सॉलिड से कम होता है और लिक्विड से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें देखो सॉलिड से थोड़े से दूर है इसमें मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसमें गैस से पास है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लेस स्ट्रांग मतलब थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के। ठीक, एंड गैसेस द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, इनमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत दूर दूर है इसलिए इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है। ठीक है, सिक्स द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड में कैसे है, क्लोजली पैक्ड मतलब पास पास है। ठीक, इसमें थोड़ा लूजली पैक है, थोड़े दूर दूर है, और गैसेस में बहुत वाइड अपार्ट, दूर दूर है। ठीक, अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और गैस कैन फ्लो मतलब ये भी फ्लो कर सकते हैं, मतलब इन्हें, इन दोनों में क्या होती है, फ्लूडिटी होती है, सॉलिड सॉरी लिक्विड में एंड गैसेस में। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि जो इनमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में, इनमें हम आपको इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बता देते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं इनमें मॉलिक्यूल कैसे हैं, बहुत पास पास हैं, अगर मॉलिक्यूलर पास पास मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल पास है तो एक दूसरे को ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, तो जो सॉलिड होते हैं इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनका शेप एकदम फिक्स होता है, लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है तो ये फ्लो कर जाते हैं, और गैसेस में इनमें भी इनमें नेग्लिजिबल होता है इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।